ये है विविध भारती। भारतीय उपमहाद्वीप का बेहद लोकप्रिय रेडियो चैनल है विविध भारती। इसका सुरुचिपूर्ण प्रसारण हमें समय के उस पार ले जाता है जहां स्मृतियां फिर से जी उठती हैं। ये है विविध भारती। आकाशवाणी की गौरवशाली परंपरा के अनुसार आज भी विविध भारती ने भाषा की मर्यादा और प्रस्तुति की गरिमा का ध्यान रखा है। इतिहास के अनगिनत उल्लेखनीय स्वर विविध भारती के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आकाशवाणी के बेहद लोकप्रिय चैनल विविध भारती का शुमार विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क प्रसारक में होता है। विविध भारती की परिकल्पना को सन 1957 में साकार करने वाली हस्तियों के नाम हैं तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर पीवी केसकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में तत्कालीन सचिव श्री पीएम लाट और आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक श्री जगदीश चंद्र माथुर। विविध भारती का शुरुआती स्वरूप ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम अर्थात अखिल भारतीय विविध रंगी कार्यक्रम का था। इस सेवा को विविध भारती नाम दिया कला एवं साहित्य मनीषी पंडित नरेंद्र शर्मा ने। प्रसारण के आरंभिक दौर में पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम प्रसारित होते थे। 3 अक्टूबर सन 1957 सुबह 10:13 पर शॉर्टवेव 19 और 25 मीटर बैंड पर आकाशवाणी के पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती का जन्म हुआ। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इस उद्घोषणा से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों ने शुभकामना के फूल बरसाए थे। गुप्त जी की वे पंक्तियां थीं, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। विविध भारती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रश्न के उत्तर में विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर रहे पंडित नरेंद्र शर्मा का कथन था। हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे कि जो निष्णात बुद्धिजीवी श्रोता ज्यादातर उसके लिए थे। अधिक संख्या में वो अखिल भारतीय श्रोता है जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहे तो ले लिसनर। और सामान्य श्रोता की जो आवश्यकताएं थी उनमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी होनी चाहिए, तो इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार इसका प्रसारण आरंभ हुआ। बॉम्बे, मुंबई एवं मद्रास चैनल केंद्र के लिए शॉर्टवे पर एक साथ प्रसारण होता था। मुंबई से प्रसारण उत्तर और पश्चिम भारत के श्रोताओं तक पहुंचता था और मद्रास केंद्र से पूर्व और दक्षिण के श्रोताओं तक। मद्रास केंद्र पर विविध भारती की पहली उद्घोषणा की तेलुगु भाषा की उद्घोषिका राज लक्ष्मी ने। दरअसल उस दिन जिस उद्घोषक को ये उद्घोषणा करनी थी वो समय पर उपस्थित न हो पाया था। राज लक्ष्मी जी की उद्घोषणा के बाद कर्नाटक वाद्य संगीत का प्रसारण हुआ। इसके बाद राज लक्ष्मी जी मद्रास केंद्र पर 7 तक विविध भारती की उद्घोषिका रहीं। विविध भारती के मुंबई केंद्र से पहले ही दिन से पत्रावली का प्रसारण शुरू हो गया। क्योंकि शुरू के कुछ दिन श्रोताओं के पत्रों का आना संभव ही नहीं था, इसलिए पूरे एक सप्ताह पत्रावली में श्रोताओं के नाम विविध भारती का पत्र प्रसारित हुआ। विविध भारती पर पहला प्रसारित गीत मन्नाडे के स्वर में प्रसारित हुआ, नाच रे मयूरा। रचयिता थे पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार अनिल विश्वास। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। हवा महल का प्रसारण 20 अक्टूबर 1957 से आरंभ हुआ था। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। इस दिन जो पहला हवा महल प्रसारित हुआ था, इसके लिए पंडित नरेंद्र शर्मा ने एक विशेष संगीत नाटिका तैयार की थी, महारास। हवा महल की पहली परिचय धुन पंडित सत्येंद्र शरद ने एक गुजराती गीत के आरंभिक अंश
यानी प्रीलूड से ली थी। 2-3 वर्ष तक वही परिचय धुन प्रयोग में लाई गई। फिर सन 1960 में पहली परिचय धुन के आधार पर एक नई धुन बनाई गई जो आज तक इस्तेमाल हो रही है। विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सुरीली परिचय धुनें तैयार करने की जिम्मेदारी निभाई अनिल विश्वास, टी के जयराम अय्यर, एमिनी शंकर शास्त्री, सूर्य कुमार पाल, कृष्णा भट्टाचार्य और नीनू मजुमदार जैसे गुणी संगीतकारों ने। विविध भारती पर कार्यक्रमों के निर्माण और प्रस्तुति का दायित्व निभाया मधुप शर्मा, भृंग तुपकरी, शौकत कैफी, रिफत सरोश और सत्येंद्र शरद जैसी प्रतिभाओं ने। भृंग तुपकरी संगीतिका पेश करते थे, शौकत कैफी मन चाहे गीत कार्यक्रम जिसमें वो इससे शुरुआत से जुड़ी हुई थी, सत्येंद्र शरद पर हवा महल की जिम्मेदारी थी, रिफत सरोश पेश करते थे गीत और गजल का प्रोग्राम गजरा। उन दिनों विविध भारती पर प्रसारित होने वाले अन्य रोचक कार्यक्रम थे वंदनवार यानी कि भक्ति संगीत, लोक संगीत, गीतों भरी कहानी, उदयगान, इंद्रधनुष, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, सुगम संगीत का कार्यक्रम मंजूषा और फौजी भाइयों के लिए पेश किया जाने वाला जयमाला कार्यक्रम। फौजी भाइयों के लिए पहला विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया था अभिनेत्री नरगिस ने। विविध भारती के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को पेश करने वाली अन्य मशहूर फिल्मी हस्तियों के नाम है मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार, देव आनंद, सोहरा मोदी, राजकुमार, धर्मेंद्र, लता मंगेशकर, आशा भोसले, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, सचिन देव बर्मन, गुलजार, चेतन आनंद, रोशन और मदन मोहन जैसे महान कलाकार। देश के विभिन्न केंद्रों से एक ही समय पर एक साथ कार्यक्रम प्रसारित हो सके इसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स की विशेष अनुमति से केवल एक बार प्रसारण हेतु फिल्मी गीतों को टेप पर डब करने की सुविधा केवल विविध भारती को प्राप्त हुई। विविध भारती की टीम ने सन 1957 में जहां अपने कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग शुरू की थी वहां आजकल दूरदर्शन मुंबई की इमारत है। वर्ली के इस स्थान पर एक बैरकनुमा कमरे में विविध भारती के कार्यक्रम रिकॉर्ड होते थे। ये जगह न तो साउंड प्रूफ थी और न ही वातानुकूलित। विविध भारती के सर्वकालिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में भूले बिसरे गीत एवं संगीत सरिता कार्यक्रम भी शामिल है। अतीत में कुछ अन्य प्रसिद्ध कार्यक्रम रहे चित्र ध्वनि, चित्रशाला, अनुरंजनी, चौबारा, रंग तरंग, साज और आवाज वगैरह। सन 1958 में विविध भारती को मुंबई से दिल्ली स्थित नए स्टूडियोज में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली स्थानांतरित होते ही विविध भारती पर रोजाना 1.5 घंटे तक कर्नाटक संगीत सभा का प्रसारण शुरू किया गया। इस संगीत सभा के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के सुगम लोक शास्त्रीय एवं फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाता था। उन दिनों विविध भारती से प्रसारित गीत, नाटिकाएं, वाद्य संगीत और फरमाइशी फिल्मी गीत भी प्रसारित किए जाने लगे। 1 नवंबर सन 1967 को शुरुआत हुई विज्ञापन प्रसारण सेवा की, जिसकी पहली उद्घोषणा शील कुमार के स्वर में की गई थी। सन 1972 में विविध भारती का मुख्यालय एक बार फिर दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। विज्ञापन प्रसारण सेवा की 25वीं सालगिरह तक आते आते 30 स्टेशनों से विज्ञापन आधारित कार्यक्रम प्रसारित होने लगे। इनमें स्पॉट और जिंगल्स के अलावा प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल हैं। 3 मई सन 1970 की दोपहर 12:30 बजे से विज्ञापन सेवा पर पहला प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित हुआ सेरिडॉन के साथी। रोश प्रोडक्शन लिमिटेड के इस कार्यक्रम में मशहूर फिल्मी सितारे अपने साथी कलाकारों के बारे में दिलचस्प बातें बताया करते थे। इस कार्यक्रम की पहली मेहमान थी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल। इस कार्यक्रम के कंपियर और निर्माता थे अमीन सायानी। उसी दिन दोपहर 12:45 पर शुरू हुआ कोहिनूर मिल्स का कार्यक्रम कोहिनूर गीत गुंजार। कंपियर थे पंडित विनोद शर्मा। विज्ञापन प्रसारण सेवा पर बजने वाला पहला फिल्मी रेडियो स्पॉट
कब क्यों कहा फिल्म का था, जिसे पेश करते थे विजय पहल। सिबा का गीत माला अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत नेटवर्क ब्रॉडकास्ट का पहला प्रोग्राम और पंडित विनोद शर्मा द्वारा पेश किया जाने वाला मशहूर प्रोग्राम इंस्पेक्टर ईगल। सन 1996 में तत्कालीन निदेशक विजय लक्ष्मी सिन्हा ने विविध भारती पर सातों दिन के लिए एक घंटे का कार्यक्रम शुरू किया पिटारा, जिसके अंतर्गत प्रसारित हेलो फरमाइश, सेलोलाइट के सितारे, सरगम के सितारे, हमारे मेहमान, चूल्हा चौका, सेहतनामा जैसे कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय हुए। बाद में पिटारा में एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया बाइस्कोप की बातें, इसे पेश करते थे लोकेंद्र शर्मा। हेलो फरमाइश भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में पहला इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम था। विविध भारती केंद्र पर श्रीमती विजय लक्ष्मी सिन्हा के दौर में ही महानिदेशालय की पहल पर राष्ट्रीय प्रसारण हेतु राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण शुरू किया। इस कार्यक्रम को डिजाइन किया था विविध भारती के लोकप्रिय उद्घोषक कमल शर्मा ने, जो आज भी लोकप्रिय है। विविध भारती से कारगिल युद्ध के दौरान प्रसारित हुआ हेलो जयमाला, जो कालांतर में फोन कॉल्स के बदले पत्र आधारित हो गया और इसे नाम दिया गया जयमाला संदेश। केंद्र निदेशक के रूप में श्री राजेश रेड्डी के कार्यकाल में कुछ और कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे उजाले उनकी यादों के, सखी सहेली, सदाबहार नगमे, गुलदस्ता, तेरे सुर और मेरे गीत, एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने, छाया गीत, आपकी फरमाइश, चित्रलोक गाने नए जमाने के, और आज के फनकार भी विविध भारती के बेहद पसंद किए जाने वाले कार्यक्रम हैं। श्री राजेश रेड्डी ने ही आकाशवाणी के पंचरंगे कार्यक्रम के बदले इस सेवा को नया नाम दिया विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।